आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है लोकोक्ति एवं कहावतें, लोकोक्ति एवं कहावतें। क्या आपको पता है लोकोक्ति किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं? भाई दो बातें कही हैं, लोकोक्ति एवं कहावतें। तो एवं का मतलब होता है और, तो लोकोक्ति और कहावतें, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? नहीं, लोकोक्ति हो चाहे कहावतें हो, लोकोक्ति एवं एवं का मतलब यद्यपि और होता है लेकिन पुस्तकों में जो दे रखा होता है लोकोक्ति एवं कहावतें का मतलब लोकोक्ति अथवा कहावत, ये सही चीज है। चाहे इसको आप लोकोक्ति कहिए अथवा इसको कहावत कहते हैं। अच्छा, दोनों कहावत या लोकोक्ति में अगर शाब्दिक मतलब निकाला जाए तो थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए, और है भी। क्या लोकोक्ति का मतलब होता है? लोक धन उक्ति, उक्त माने कहना, लोक माने सांसारिक, सांसारिक बात को कहना लोकोक्ति है। और कहावत का मतलब होता है जो कथा, कहावत मतलब कथावत, कहावत जो है इसको, इसका तत्सम क्या है कहावत का? कथावत। और कथावत का तात्पर्य होता है जैसा घटित हो चुका है वही, वत का मतलब वही। जैसे हमने कहा राम वत, तो राम का मतलब राम और वत का मतलब जैसा, मतलब राम ही, राम के जैसा दूसरा तो कोई है नहीं। जैसे हमने, मेरा नाम सरस है तो मैंने कहा सरसवत, तो सरसवत तो सिर्फ सरस ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। ये बात भी याद रखना कि इसका तत्व तत्सम क्या है, पूछा गया है और उसका लोग बता नहीं पाए थे। कहावत का तत्सम क्या रहेगा? कथावत। कथावत का मतलब होता है जैसा घटित हो चुका है वही। और लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित है ऐसी उक्ति, तो जो कहावत है वही लोकोक्ति है। बात आप समझ में आ गई? जो पहले घटित हो चुका है ग्रामीण रूप से, गांव के लोगों ने उसी बात को कह दिया, तो वो क्या हो गई? कथावत या लोकोक्ति हो गई। और मुहावरे का मतलब होता है छोटा और लाक्षणिक अर्थ पर लगाना जो कि घटित नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। मुहावरे को बनाया जाता है जबकि कथावत हो चुकी होती है, सत्य घटना पर आधारित तो होती है। इसके लक्षण अर्थ लिए जाते हैं कि दोबारा ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ यही होगा। अब अंतर समझे दोनों में क्या है? मुहावरे का मतलब जैसे कहा नाको चने चबाना, तो क्या तुम समझ सकते हो किसी ने दुनिया में नाको चने चबाए थे? नहीं। मतलब जो मुहावरे हैं वो घटित नहीं हुए होते हैं, उनको केवल इसलिए बनाया जाता है ताकि लक्षण अर्थ पर उसको कुछ दिशा निर्देश दिया जा सके, कुछ संकेत किया जा सके, लक्षणार्थ होते हैं। अब समझ गए? और कहावत या कथावत का मतलब होता है पूर्व घटना पर आधारित, ये कोई घटना हो चुकी होती है या ऐसा हो रहा होता है उसको कहा जाता है, और उसके द्वारा यह संकेत किया जाता है कि तुम्हारे साथ ये ऐसा हो सकता है या तुम ऐसा कर रहे हो। अब समझे बात को? जैसे कहा खिसियानी बिलैया खंभा नोचे, तो ये घटना हो सकती है, हुई हो और हो भी सकती है और होती भी रहती है। बात समझ रहे हो? जबकि हमने कहा अंगारों पर लौटना ये कभी होता नहीं है, ये मुहावरा है, ये हुआ नहीं है, जबकि ये हुआ है क्योंकि ये एक घटना पर आधारित है। तो कथावत का मतलब घटना पर आधारित, कथावत का मतलब क्या हो जाता है? घटना पर आधारित। अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी तरह से इस चीज को आप समझ गए होंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में जो मूल अंतर है वो क्या है। समझ गए आप? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी और पहचान क्या क्या होती है। एक बार में ही खींच लिया करो, बार बार खींचते तो बार बार शुरू होता है, एक ही बार खींच लो आराम से, इतना खींच रहा है। तो अंतर समझ गए पहली बार। अब हमको ये देखना कि लोकोक्ति के अन्य नियम कितने हैं, कौन कौन से नियम हैं कि, तो पहला नियम हम बताएंगे, हम कहेंगे कि ये पूर्ण अर्थ प्रदाता, ये पूर्ण अर्थ प्रदाता है, अर्थ को पूरा पूरा देगा।
आधा अधूरा अर्थ नहीं देता है, पूरी बात कहता है। जैसे हमने कहा कि अंधे नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, तो पूरी बात कहेगा। यही तुमने कहा कि कुछ और कह दिया? अंधेर नगरी अनबूझ राजा, वो आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रायः दीर्घ वाक्य होते हैं। ये कैसे रहते हैं? दीर्घ वाक्य होते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं, चलो अथवा ना कहकर हम पॉइंट ही बना लेते हैं तीसरा, या तो ये दीर्घ वाक्य कहे जाएंगे या फिर हम इनको कह सकते हैं यह वो जो अलंकार होता है जिसको अंत्यानुप्रास कहते हैं, प्रायः अंत्यानुप्रास अलंकार होते हैं या अंत्यानुप्रास अथवा दो वाक्य। अंत्यानुप्रास कह लें क्योंकि दो वाक्य जब होते हैं तो प्रायः मिला दिया जाता है, जैसे अंधे नगरी चौपट राजा, टकासेर वजी टकासेर खाजा, राजा खाजा, तो अंत के एक जैसे वर्ण आ गए तो अंत्यानुप्रास हो गया और दो वाक्य तो है ही है। नहीं, अगर अंत्यानुप्रास आ रहा है तो दो वाक्य होंगे होंगे। फिर चौथा पॉइंट ये है हमारा कि ये ग्रामीण आंचल में प्रचलित होते हैं। ये कहां ज्यादा बोले जाते हैं? ये ग्रामीण आंचल में अधिक बोले जाते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं वो कहावत ज्यादा कहते हैं। पुराने लोग जो होते हैं, क्योंकि उनको वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको मुहावरे ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि मुहावरे हम लोग शैक्षिक रूप से पढ़ने लिखने वाले लोग ज्यादा उसको अध्ययन करते हैं। और जो कहावतें होती हैं इनकी भाषा शैली जो होती है थोड़ी ग्रामीण टाइप की होती है, ठीक, तो ग्रामीण व्यक्ति को कहने में आराम रहती है, इसलिए गांव का व्यक्ति इसको ज्यादा प्रयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कहावत बनाते हैं। हाँ, कहते हैं कि कहावत बनाई दे तुमने तो, है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, ये पूर्व घटना पर आधारित रहते हैं। नियम अगला क्या है कि पूर्व घटना पर आधारित। अब पूर्व घटना पर आधारित कैसा क्यों है? क्योंकि यही बात हम सीधे बता चुके हैं, कथावत ये घटना पर आधारित होता है, कोई कथानक लिया जाता है तो कथावत हो गया, सीधी बात हो गई, ये पूर्व घटना पर आधारित रहेगा। फिर इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, ये प्रायः मिश्र वाक्य होते हैं, प्रायः मिश्र वाक्य। कैसे? इसमें एक आधार वाक्य है और एक आधारित है। एक आधार एक आधारित मतलब एक आश्रय है एक आश्रित है, ठीक। जैसे हम उधर हमने कहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, सुनिए कभी, हमने एक उदाहरण जैसे निकलो मैं यहां पर, हमने कहा आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो अब यहां पर क्या है, आए थे हरिभजन को, इतना एक वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या है, ओटन लगे कपास। तो प्रधान वाक्य है आए थे हरिभजन को, तो बोले फिर करने क्या लगे, ओटन लगे कपास, ठीक। तो यहां पर दो वाक्य हो गए, एक आश्रित एक। अब देखिए यहां पर क्या है, अंत्यानुप्रास नहीं है लेकिन दो वाक्य है, इनमें से एक शर्त आपको अवश्य मिल जाएगी, ठीक है। दो वाक्य तो होने ही होने हैं, हो सकता है अंत्यानुप्रास भी हो जाए, ये अलग बात है, ठीक। आगे की बात करते हैं, यह सिद्ध वाक्य होती है। ये कैसे होती है? यह सिद्ध वाक्य होते हैं। सिद्ध वाक्य का तात्पर्य होता है ऐसे वाक्य होना जो कहीं कहीं पर सत्य सिद्ध होंगे। आप इनको जीवन में उतार कर देखो, आपको कहीं कहीं पर घटनाक्रम में ये चीजें मिल जाएंगी, निश्चित मिल जाएंगी कहीं कहीं पर, ठीक। तो इसलिए ये सिद्ध वाक्य होते हैं। अच्छा, इनका प्रयोग स्वतंत्र होता है और प्रतिफल से संबंधित होते हैं।
इनका प्रयोग कैसा होता है? स्वतंत्र है और प्रतिफल सिद्ध रहता है, है ना? इनका प्रतिफल कैसा रहा? प्रतिफल से संबंधित है, सिद्ध रहते हैं, प्रतिफल से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कहा, एक नई ले लेते हैं, हमने कहा काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रयोग तो स्वतंत्र हो गया, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जैसे जिसके लिए है वो इसको ठीक ठीक समझ जाएगा, जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया है, ठीक। तो धोखा एक ही बार तो खाएगा, का मतलब काठ माने लकड़ी, लकड़ी की हंडी तुमने चढ़ा दी एक बार तो वो तो जल जाएगी ना, दोबारा वो प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। तो प्रतिफल पूरा मिलेगा, जिसके लिए कही गई है वो तो इसे समझ लेगा, और जिसके लिए नहीं कही गई उसके लिए स्वतंत्र रूप है, ठीक। तो इस तरह से लोकोक्ति के ये नियम है, लोकोक्ति अथवा मुहावरे। जरा जो बाद में आए हो प्यारे मोहन, ये जरा बताइएगा कि कहावत जो शब्द है इसका तत्सम क्या होता है, बता जरा इसका तत्सम रूप क्या होगा? कथावत। बहुत बढ़िया, बता दिया। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? संसार में प्रचलित। लोक माने संसार, उक्त माने कहना, जो समाज में हमारे प्रचलित है कथन, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं, और कथावत जो पूर्व घटना पर आधारित है उसे कहावत कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित। अब कुछ लोकोक्तियां हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे होनहार बिरवान के होत सीखने पात। इसका मतलब क्या है? कि जो बच्चे जल्दी आकर पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं वो समझदार और अपने पढ़ाई के प्रति संवेदनशील है, और जो बाद में खीसे निकालते आए, ठीक, तो वो कैसे है? असंवेदनशील, ठीक। पास हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन संवेदनशील की संख्या में नहीं रखेंगे हम उनको, ठीक। जैसे हिंदी में फारसी और मियां बनारसी, हिंदी में फारसी मियां बनारसी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? गुणहीन होने पर भी दंभ भरना, मतलब घमंड करना, जिसको कहा जा सकता है अधजल गगरी चलकत जाए। अपूर्ण ज्ञान होने पर भी खुद पर इतराना, अधजल गगरी। स्वतंत्र प्रयोग है, किसी के लिए तुम कह सकते हो, लेकिन जिसके लिए कहा है वो समझ तुरंत जाएगा। जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई ढींगे हंक रहा हो, आप उसके सामने ये बात कहते हुए निकल जाओ, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो समझ जाएगा कि ये कहा हमारे लिए गया, ठीक। तो प्रयोग तुमने ऐसा स्वतंत्र किया कि जवाब नहीं दे सकता है, अब प्रतिफल पूरा मिल गया तुम्हें, ठीक। आगे बात करते हैं, जैसे हमने कहा कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कंबल भीगे पानी। यह बड़ी अजीब बात है, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, इसका मतलब क्या हुआ? उल्टी बात कहना, कबीर हमेशा उल्टी बात कहते थे, लेकिन उसका तात्पर्य सही हुआ करता था। मतलब सुन, कोई व्यक्ति कभी ऐसा, जैसे हम हैं, कभी कभी हम बड़ा मजाक कर जाते हैं, बोल जाते हैं, लेकिन भाव हृदय में सही होता है, केवल इसलिए कहते हैं ताकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ठीक। तो इसमें क्या है? कबीर दास की उल्टी वाणी, जो बोल रहे हैं वो ना समझो, दिल की बात जानो, वो कहना क्या चाहते हैं, हृदय की बात को समझो उनके, ठीक। तो इसमें क्या है, कबीर दास जो लिखते थे वो बहुत ही, मतलब जो शुरुआती इनके थे तो उस समय पर ये बहुत रहस्यवादी लिखते थे। अगर आप धैर्य बनाकर सुनना चाहो तो मैं इनके एक रहस्यवाद का एक पद सुनाऊं आपको, सुनाऊं? बड़ा देखो
बौद्धिक रूप से सुनोगे तो बड़ा गंभीर है, और उथलेपन से सुना तो बहुत वैसा लगेगा। जैसे इन्होंने कबीर ने एक लिखा है, मार ही तेरो सुरमा दर्द हुई जाए। ठीक, आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है और सांसारिक बात है यहाँ पर। मार ही तेरो सुरमा गर्द हुई जाए, सास कुमारी धीर रिकवरी तिनके पीरई होई रे, पास पड़ोसी देखन आवे तिनके दुद्दोई होई रे। मार ही तेरो सुरमा गर्द हुई जाए। अब एक और इसकी लाइन अगली है, क्या है, दूध बतासा लल्ला मांगई पिया उठन नहीं दे ही रे, अरे डोकरिया लल्ला ही ले ले पिया मजा ले ले ही रे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये कबीर ने लिखा है। अब सोच सकते हो कबीर जैसा परम संत क्या जिस तरह से तुम सोच रहे हो वो उसका लक्षण अर्थ होगा? नहीं, बहुत गंभीर लक्षण अर्थ होगा आपके बिंदु। देखो दो चार मैं आपको नाम बता रहा हूं इनके, कभी सुनना, पद दोहा आदि तो सीधा लिखते हैं, लेकिन जो पद लिखते हैं आपका सूर बाबा, आप उसको सूर सागर में पढ़िएगा, उसमें एक पद दिया है कि उसमें एक लाइन खुद के खुद को गरियाया है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास ने खुद के लिए लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, और उसमें लिखा है कि हरिपद भजन कसम थी खाई, और जन क्या कहा कि कौन हरामी, खुद को हरामी भी कहा है। तो ऐसे कर करके गाली दी है। और बिंदु एक नाम आया है, कभी आप इनका सर्च करना, कभी सुना है बिंदु का नाम? ये भी एक दार्शनिक हुए हैं बिंदु, दृग्बिंदु से इनके भजन खूब कहे जाते हैं। इन्होंने भी लिखा है कि नवजिया वैद्य क्या देखे हमें दिल की बीमारी है। सुनोगे तो कितना आशिकी जैसा लगेगा कि नवजिया वैद्य क्या देखे हमें दिल की बीमारी है, और जिगर का हाल तू मेरा नहीं समझे अनाड़ी है, मेरे दीदार दिलवर से मिलाए तू कभी मुझको तो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूं मैं जान जाती। ब्रह्मानंद हुए हैं, बिंदु हुए हैं, कबीर हुए हैं, इनके जब आप पद पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पूर्ण रूप से प्रेम में डूबे हुए हैं। या आप उनका पढ़िए रहस्यवादी, और पढ़ना चाहते हैं जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत में, आपको लगेगा पूरा एकदम घोर श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार कहीं छू नहीं गया। नागमती वियोग वर्णन जब करते हैं, नागमती सरोदय खंड का जब वर्णन आता है आपका बीए में है, उसको जब मैंने पढ़ा था तो अपने आप जब पढ़ा हमने कहा हे भगवान कैसा लिखते हैं। फिर उसके बाद जब हमको पढ़ाया गया, जब सर ने पढ़ाया, तो उन्होंने जब रहस्यात्मक उसका अर्थ बताया, हमने हो भगवान ये मतलब था इसका। तो जो हम लोग अर्थ लगाते हैं वो अर्थ होता नहीं है। अर्थ कैसा होता है? अत्यंत गंभीर अर्थ होता है उसका। नवजिया वैद्य क्या देखे हमें दिल की बीमारी है, मतलब ईश्वर से मेरी लौ लगी है, और हम क्या है मतलब परेशान हो रहे हैं, और परेशानी में लोग क्या देखते हैं? नाड़ी देखते हैं। नवजिया वैद्य क्या देखे हमें दिल की बीमारी है, और जिगर का हाल तू मेरा नहीं समझे अनाड़ी है। लेकिन जो कोई आसिक आदमी आसिक टाइप का होगा वो उसी तरह से लेकर जाएगा, भाव अपना अलग है वहां पर, ये है। ठीक, आगे देखते हैं। हमने कहा आई तो रोजी, अब नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका मतलब क्या हुआ? आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब अगर हमें कोई लाभ हो गया तो हम उसमें संतुष्ट, और नहीं हुआ तो जिसके लिए कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं, ये वो बात हो गई, मिल गए तो मीठे, अब नहीं मिले तो खट्टे हैं। ठीक, आप भले तो जग भला, इसका मतलब क्या हुआ? खुद के अंदर अगर अच्छा ही है, हमारा अपना अगर दृष्टिकोण अच्छा है, तो हमें सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे ठीक है सर इसको जब लेने गए थे इस बोर्ड को, तो इन्होंने इसमें बोर्ड का देखा कि इस पर बढ़िया मिट जाएगा, अच्छा अच्छा लिखेंगे, जाने कितने लोग इससे लाभान्वित हुए। लेकिन किसी को मकान बनाना है, किसी को अपने उसमें लगाना है, तो वो इसका इंच उंच नाप नूप कर ये कहेगा कि हाँ ये अलमारी में ज्यादा फिट आएगा हमारे, बढ़िया रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो बोर्ड वही है लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। शिक्षक ये देखता है कि इसका शाइनिंग कितनी बढ़िया है, इस पर मिटेगा बढ़िया,
ठीक, उसको लंबाई चौड़ा से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, एक आधे इंच कम ज्यादा सही, लेकिन जो इसको अपने यहाँ पल्ले के रूप में प्रयोग करना चाहता है वो एक इंच इसको नाप कर ले जाएगा, कम है तो पता ही नहीं लेगा, बढ़ा है तो जरूर ले लेगा, कोई बात नहीं है ना, तो दृष्टिकोण तुरंत बदल जाएगा कि नहीं। तो ये क्या है, ये अपना नजरिया, आप भले तो जब बोला तो जैसी हमारी नजर होगी वो चीज हमको वैसे ही प्रतीत होगी, चीजें अपने जैसी रहती हैं। फिर हमने कहा अटका बनिया देवे उधार, कल भी ये बात हुई थी, अटका बनिया देवे उधार का मतलब जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो वहां पर हम अपने नियमों को बदल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्वयं पर जब बात आई तो नियमों का परिवर्तन कर लिया। जैसे हम दूसरों के लिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, हमेशा अच्छाई पर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अपना लड़का अगर कहीं किसी को दान करने लगे खूब, धर्म पर चलने लगे, कहें भैया पढ़े लिख ले कुछ बन जाओ तो ठीक है, नहीं इधर महात्मा गिरी करते रही हो, यही तो कहते हैं ना, मतलब हम चाहते हैं कि धार्मिक लोग हों लेकिन पड़ोसी के घर पैदा हो, हमारे घर कौन पैदा हो, इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, और पड़ोसी के घर सरदार भगत सिंह पैदा हो, देश के लिए मर जाए, हंसने वाली बात नहीं है, ये सत्य बात है, यही सत्य है। हम अच्छा व्यक्ति चाहते हैं लेकिन पड़ोसी के घर, अपने घर में चाहते हैं बिजनेसमैन पैसा पैदा करने वाला, ठीक। तो ये क्या है, इसे कहते हैं नियमों को बदल लेना, अटका बनिया देवे उधार, कि अपने पर आई तो नियम बदल लिए तुरंत, अपने यहां पैदा हो तो इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो तो धर्मात्मा पैदा हो, सब कुछ दान कर दे, ठीक। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या हुआ, अंधा पीसे कुत्ता खाए, परिश्रम का लाभ कोई और लेकर जाए, परिश्रम करे कोई और उसका लाभ ले कोई और, ठीक। फिर क्या है, एक ही साधे सब सधाएं और सब साधे सब जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही साधे सब सधाएं, अगर किसी, अच्छा मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय एक ही विषय साध ले तो सब बन जाएगा, काम कल्याण नहीं होगा। तो यहां पर मतलब क्या है, एक ही साधे सब सधाएं और सब साधे सब जाएं, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब एक नियम एक निर्देश को अपने जीवन में उतारना, यह है तात्पर्य। जैसे एक ही साधे यहां पर तात्पर्य यह है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो केवल अपना जीवन पढ़ाई पर अर्पण कर दो, और व्यवसाय करना है तो व्यवसाय में पूरा जीवन लगाओ। मालूम हुआ आप इधर उधर तुम भाग रहे हो, थोड़ी दो घंटे पढ़ाई करी फिर दो घंटे तुम व्यवसाय में लगे, तो ना अच्छे से आप व्यवसाय ही कर पाओगे और ना इधर की तैयारी ही कर पाओगे। तो एक कार्य को पूरे मनोयोग से करना चाहिए, जो कार्य कर रहे हो उसको पूरे मनो, और ये नहीं कि एक विषय को, विषय नहीं उसके भाई, पढ़ाई के अंतर्गत तुम्हारे सभी विषय सबको, अब वहां पर पढ़ाई तुम्हारा एक बिंदु है, ठीक है। लक्ष्य तुम्हारा क्या है, लक्ष्य तुम्हारा नौकरी है तो उसमें जितनी चीजें सहायक है उन सबको लेकर चलो, जो भी लक्ष्य है आपके। फिर कहा काबुल में गधे भी होते हैं, काबुल में गधे भी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जानकार के बीच में सभी कुछ, मतलब हर जगह पर हर तरह का व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहां पर बैठे हो सबकी नौकरी लग जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग प्रिय हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है, जो मेहनत करेगा। तो मतलब काबुल में गधे, काबुल में भी गधे होते हैं, ये मतलब चाहे जितनी अच्छी जगह हो दो चार व्यक्ति तुमको, एक आधे व्यक्ति तुमको वहां पर भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो उसकी धार कोर है उससे विपरीत दिशा वाले मिल जाएंगे, जिसने कहा जाता है कि चंदनम न बने बने, क्या है, शैले शैले न मणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे और साधु नाम न सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो हर चीज हर जगह पर नहीं प्राप्त होती है, और अपवाद के रूप में कुछ चीजें हर जगह पर भी उपलब्ध रहती है, ठीक। कह दाल भात में मूसर चंद, दाल भात में मूसर चंद, इसका मतलब क्या है, दाल भात में मूसर चंद, मूसर चंद का मतलब समझ रहे हो क्या होता है,
बताओ इसका मतलब, बताओ अंदाज करके बताओ तुम लोग, जितने भी मैं पूछ रहा हूँ तुम बता कोई नहीं रहे हो। सर हम तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हो बताओ, अच्छा दाल बात मुंह सर चल। दाल चावल के बीच में, दाल चावल दो चीजें हैं, अब इसमें कोई तीसरी चीज आ जाए आपको खटकेगी कि नहीं खटकेगी? कतई खटकेगी। तो मतलब दो के बीच में तीसरा टपक पड़ना, जैसा कि दो लोग बताए बातें कर रहे हैं और कोई तीसरा आ गया तो तुम सामने केवल उसे उसको सुना कह दो ले दाल बात मुझर चंद आई है। दाल काला, दाल में काला होना, इसमें गड़बड़ी होना, पूरी दाल काली है, यहाँ पर दाल नहीं काली है, यहाँ पर तुम्हारी बात रुक जाएगी। हाँ वहाँ पर तो दाल ही काली है, वो तो बेकार ही हो गया मामला, दाल काला होना मतलब है। बदला ही रहेगी। हाँ वो दाल वाला मुदर चंद बन गया। जो रोगी मन भाए सोई वैद्य बताए, इसका मतलब क्या हुआ? जो रोगी मन भाए जैसे आप लोग, हाँ जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अब आप जो पढ़ना चाहिए उचित वो न पढ़ाकर हम आपको क्या है, आपको केवल हंसाते रहे, आपको बरगलाते रहे। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज गया डॉक्टर साहब के पास, बोला साहब रसगुल्ला खाने बहुत मन करता है, बोले खाई ना भाई, कह देगा कि मत खाओ तो हो सकता है तुम दवाई लेने ना आओ, कहेगा देखो दवा हम तुमको दे रहे हैं तुम आराम से खाओ, मीठा कौन सी दिक्कत है, दवाई हमारी चलाते रहो बस। बहुत खुश डॉक्टर साहब का मना ही नहीं कर रहे, दवा भी चलती रहेगी। तो मतलब जो रोगी मन भाए सोई वैद्य बताए, इसका मतलब यह हुआ कि जिसके मुंह पर उसके जैसी बोलते रहो ताकि वो खुश रहे। ठीक। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात का मतलब हुआ, और ये इसको कई बार पूछा गया है, एक जैसी स्थिति रहना, ढाक के तीन पात एक जैसी स्थिति रहना। जैसे कहा कि वो उसको चाहे तुम 1000 रुपया दे दो चाहे 10 रुपया, उनकी स्थिति वही जो ढाक के तीन पात। मान लो 1000 रुपया दिए तो मालूम है उसी दिन उन्होंने जुआ खेल डाले, और जिस दिन 10 रुपया है तो अपने सब्जी ले आए खाई पी ले, अब 1000 रुपया दिया बचा है उन्हें वो सब 10 रुपया, तो ढाक के रहे तीन ही पात। ठीक है, उन्होंने अपना उत्थान नहीं किया है ना, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ढाक जैसे संत आदमी ढाक के तीन पात, खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला पानी पीकर सो गए, उन्हें ज्यादा कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई ज्यादा समस्यात्मक बात। दुधारू गाय रात बजे तुम बन जाना वैसे बाबा। तो बताओ भैया, हाँ हमने क्या पूछा था? आपने पूछा दुधारू गाय की लात भली, अरे वो मतलब लाभ हो उसकी बातें भी सुननी पड़ती है। जैसे अब हम है आपको डांट दें तो आप लगे बहुत गुस्सा, लेकिन क्या चलो कोई बात नहीं, गुरु जी हैं, माता पिता डांट देते हैं लेकिन हम उनका बुरा नहीं मानते। क्यों? बुरा मानोगे संपत्ति से बेदखल, तो कहाँ बुरा मान के जाओगे। दुधारू गाय की लात भली, ये लोग नहीं, ये वो बुरा नहीं मानेंगे, क्यों चाहे जहाँ झोंक दिया कि जाओ। तो इस तरह से ये हमारी क्या होती है, लोकोक्तियाँ, आराम से समझ गए। ठीक, इस